नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज दो नेताओं ने एमएलसी पद के लिए नामांकन कर दिया, मुकेश सहनी और शाहनवाज हुसैन। इस नामांकन के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई कि अब शाहनवाज हुसैन का बिहार में मंत्री बनना तय है। और इसके जब ही जैसे ही उन्होंने नॉमिनेशन किया, इसके कुछ ही देर बाद ये खबर आ भी गई कि अब कल मंत्री विस्तार भी होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बिहार के नए मंत्री कल राजभवन में शपथ लेने वाले हैं। लेकिन अब तक नामों का खुलासा नहीं हुआ, कौन कौन है वो जिन्हें इस बार शपथ दिलाया जाएगा। कहा जाता है कि जो मंत्रिमंडल की संख्या है वह इस बार अत्यधिक हो सकती है, 23 नए मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल अभी 13 मंत्री हैं और नीतीश कुमार को अगर जोड़ लें तो इसके अलावे नीतीश कुमार के अलावे 13 मंत्री बिहार में हैं। और ऐसे में जो चर्चाएं हैं कि कल कई अहम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है राजभवन में, राज्यपाल फागू चौहान नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, आखिर कौन होंगे वो, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच कुछ महत्वपूर्ण नाम जो हैं उनकी दावेदारी लगातार पहले काफ़ी समय से कही जा रही थी और अब उनका नाम जो है लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि अब तक लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट आया नहीं है, लेकिन जो नाम अब तक सबसे ज़्यादा चर्चा में वो पांच नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक नाम तो आप जानते ही हैं शाहनवाज हुसैन का है। बीजेपी कोटे की बात हम करें तो बीजेपी कोटे से शाहनवाज हुसैन को इस बार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है, क्योंकि शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने दो दिन पहले ही नामांकन के लिए उनका नाम जो है वह एमएलसी उपचुनाव के लिए डाला था, अपना प्रत्याशी बनाया था और आज उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। तो ये तय माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन एक प्रत्याशी है, एक मंत्री तो हैं जो शपथ लेने वाले हैं। दूसरा, सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं और ऐसे में जिस तरीके से बीते दिनों नीतीश कुमार ने बिहार में ये संदेश देने का काम किया था कि जेडीयू अभी भी लवकुश समीकरण पर काम करती है, तो ऐसे में अब एक बार फिर से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अब सम्राट चौधरी को शामिल करने का फैसला किया है। अब इनके नाम पर भी चर्चाएं काफ़ी तेज है कि सम्राट चौधरी जो हैं वह बिहार में अब मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल बीजेपी से एमएलसी हैं, इनके पिता शकुनी चौधरी बिहार में एक बड़े नेता थे और अब सम्राट चौधरी जो हैं उन्हें मौका मिलने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें अगर जेडीयू की, तो जेडीयू कोटे से भी कई मंत्रियों के नाम, नए मंत्रियों के नाम चल रहे हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण नाम है। एक महेश्वर हजारी का है, महेश्वर हजारी हैं और सुनील कुमार, ये दो महत्वपूर्ण नाम हैं जो इस बार जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। वहीं श्रवण कुमार का भी नाम चर्चा में है कि श्रवण कुमार भी जो जेडीयू से हैं वह भी अब मंत्री पद का शपथ कल ले सकते हैं। श्रवण कुमार ये कुर्मी समाज से आते हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि नीतीश कुमार इस बार लवकुश समीकरण पर विशेष ख्याल रख रहे हैं, तो श्रवण कुमार को यह मौका मिल सकता है, उन्हें शपथ दिलाया जा सकता है पद एवं गोपनीयता की। और एक तरफ सुनील कुमार हैं और महेश्वर हजारी हैं जो कि दलित समाज से आते हैं। वही हम बात करें सुमित कुमार सिंह की, जो कि जेडीयू के तरफ से मंत्री बन सकते हैं, हालांकि वह निर्दलीय विधायक हैं, राजपूत समाज से आते हैं और इस बार नीतीश कुमार के वो काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं और इस बार उन्हें मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है। कहा जा रहा है कि सुमित कुमार सिंह भी कल राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। अब हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ होता है। पूर्व मंत्री नरेंद्र कुमार सिंह के बेटे हैं सुमित कुमार सिंह और अब वह शपथ ले सकते हैं बिहार सरकार में नए मंत्री के रूप में। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कल शपथ ग्रहण होगा, कई नाम जो है वह चर्चा में है। हालांकि ये 5 से 6 नाम जो हमने आपको बताया है इन पर विशेष चर्चाएं की जा रही है। अब अंतिम लिस्ट आना बाकी है, कल यह क्लियर हो जाएगा कि वो कौन कौन होंगे जो कल राजभवन में शपथ लेंगे। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ तमाम अपडेट्स, हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।